जी, कल हम लोगों ने आईएएस 10 कवर किया था और आपका ने कहा था आईएएस 10 छोटा स्टैंडर्ड है, लेकिन पास पेपर के क्वेश्चन आपका ने कहा था दोनों स्टैंडर्ड के बाद हम लोग करेंगे। तो आईएएस 37 ये है प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। हर स्टैंडर्ड की तरह स्टैंडर्ड में भी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, तो पहले हम उन डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाती है प्रोविजन। प्रोविजन को स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। ठीक है, स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, कि प्रोविजन जो है ये आपकी लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी? ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट, ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो। अब क्वेश्चन में आता है ऐसी कौन सी लायबिलिटी हो सकती है जिसकी टाइमिंग और अमाउंट का आपको नहीं पता। तो अगर इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो वारंटी, आप लोग जब कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किसी को बेचते हैं तो आप वारंटी देते हैं ना कि 2 साल वारंटी है, 1 साल वारंटी है। अब फर्ज करें मैंने आपको एक प्रोडक्ट कोई बेची और आपको मैंने कहा इसकी 3 साल की वारंटी है, मतलब 3 साल में इसको कुछ भी हो जाए आप मेरे पास ले आइएगा, मैं आपको फ्री में रिपेयर कर दूंगा। क्या मुझे पता है आप लोग कब आ जाओगे, जी खराब हो गया ठीक करके दो? नहीं। क्या मुझे यह पता है जब मैं ठीक करूंगा मेरा खर्चा कितना आएगा? नहीं। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअली मैं बाउंड हूं क्योंकि आपको मैंने वारंटी कार्ड दिया हुआ है, मैंने आपसे कमिट किया हुआ है कि जी इस चीज की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 साल में अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको रिपेयर करके दूंगा। तो अब ये मेरी एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन है। ठीक है, स्टैंडर्ड ने और का वर्ड यूज किया हुआ है लेकिन इसमें दोनों भी हो सकती है कि टाइमिंग भी सर्टन ना हो, अमाउंट भी सर्टन ना हो। बहरहाल, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम क्रिएट करना पड़ जाता है। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि प्रोविजन जो है ये आपकी लायबिलिटी होती है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा आईटीए के अंदर अक्सर लिखा होता था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रिंसिपली वो टर्म गलत थी। ठीक है, अब अगर आप जितनी भी फॉरेन बुक्स देखें ना, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं लिखती, वो अलाउंसेस फॉर बैड डेट लिखती हैं। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि स्टैंडर्ड ने कहा प्रोविजन जो है ये आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो आपको पता है अलाउंसेस फॉर बैड डेट जो है वो हम लायबिलिटी में तो नहीं लिखते, वो तो हम डेट में से माइनस करते थे। तो बहरहाल, स्टैंडर्ड ने आपको कहा कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। अच्छा, अब लाइबिलिटीज का वर्ड यूज हुआ तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? तो लाइबिलिटीज के लिए आपको याद होगा फ्रेमवर्क में आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस ड्यू टू पास्ट इवेंट्स एंड देर इज एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस टू सेटल इट। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहता है आपकी, और ये किसी पास्ट इवेंट की वजह से क्रिएट होती है, और कह रहे इस पे एक्सपेक्टेड होता है जब इसको सेटल करेंगे तो आपको आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस करना पड़ेगा।
अच्छा स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रिसोर्सेज खाली लिखा है। तो इसके लिए उसने वर्ड यूज किया कि ये आपकी क्या होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। देखें, एक होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक होती है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करंटली एग्जिस्ट करती है। पॉसिबल का क्या मतलब होगा, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी उनकी कंफर्मेशन नहीं होती। तो बहरहाल यहां पे लायबिलिटी के लिए वर्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का यूज होता है। फिर स्टैंडर्ड ने एक्सप्लेन किया ऑब्लिगेशन को कि ऑब्लिगेशन आपकी दो तरह की होती है, एक कहता होती है लीगल ऑब्लिगेशन और दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अच्छा, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअली आप बाउंड हो चुके होते हैं, लीगली इन्फोर्सेबल होती है, ठीक है, या ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी होती है, उसे हम लोग कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड होने का मतलब आपने किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो अब वो लीगली क्योंकि इन्फोर्सेबल होता है तो इसलिए हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन आपकी। इसी तरह आप लोगों को मैंने कहा ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, के कोई लॉ बन जाए जिसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। मसलन अभी तक आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर ना एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉबीज कोई इतनी एक्टिव नहीं है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पोल्यूशन वगैरह फैला रहे हैं, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल नहीं किए हुए, लेकिन उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा। फर्ज करें आज कोई लॉ पास हो जाए कि जी आपको एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, यानी जो भी फैक्ट्रीज मिल्स वगैरह हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो जो पोल्यूशन उन्होंने फ्लाई उसको रिजॉल्व करें, मसला हल करें उसको। तो अब वहाँ पर एक ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि ये काम उन्होंने करना है, ठीक है। तो ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर आ जाता है। इसी तरह अगर आप अपनी एग्जांपल लें या मेरी एग्जांपल लें, तो क्या आपने या मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम लोग टैक्स दिया करेंगे हर साल? नहीं। लेकिन जैसे ही आप लोगों की जॉब वगैरह लगेगी तो आपको जो सैलरीज वगैरह मिला करेंगे उस पर टैक्स कट के मिला करेगा। अदरवाइज आप अपनी सेल्फ असेसमेंट के थ्रू रिटर्न वगैरह जमा कराएंगे, टैक्स जमा कराएंगे, तो वो भी आपकी कौन सी लीगल ऑब्लिगेशन बन रही होती। अच्छा, अब आगे आते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के अंदर स्टैंडर्ड कहता है कि आपकी पब्लिश्ड मटेरियल, ठीक है, यानी जो आपकी पब्लिश्ड पॉलिसीज होती हैं उनसे, या प्रमोशनल मटेरियल से, या पास्ट प्रैक्टिसेस की वजह से लोगों के जेन में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने ले ली है, तो उसे हम कहते हैं ये आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, ठीक है। यानी उसने आपको कहा कि आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस, बिजनेस की जो कस्टम्स हैं उससे, या आपका जो प्रमोशनल मटेरियल है उससे, या आपकी पब्लिश्ड पॉलिसी से किसी दूसरी पार्टी के जेन में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने ले ली है, तो हम कहते हैं ये आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। मसलन फर्ज करें मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं, टेलीविजन पे ऐड चल रही है, इसकी 2 साल वारंटी है, ठीक है, जगह जगह आपके जो होल्डिंग्स लगी हुई है उस पर लिखा है 2 ईयर वारंटी है, शॉप्स के अंदर हैंगर लगाए हुए हैं कि 2 साल किसकी वारंटी होगी। आपने मेरी चीज खरीदी, मैंने आपको वारंटी कार्ड ही नहीं दिया,
अब साल के बाद वो चीज खराब होगी और आप मेरे पास आ गए कि ये चीज तो खराब हो गई है, आपको मैं कहूं यार मैंने आपको तो वारंटी कार्ड ही नहीं दिया, मैंने आपको कौन सी वारंटी दी थी? तो लीगली मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं क्योंकि मैंने तो आपको वारंटी कार्ड दिया ही नहीं हुआ। लेकिन वो जो अखबारों में ऐड आ रही थी, जो टेलीविजन पे ऐड चल रही थी, जगह जगह जो मेरा प्रमोशनल मटेरियल था, उनमें हर जगह क्या लिखा हुआ था कि 2 साल की वारंटी है। आपको मैंने वारंटी कार्ड नहीं दिया, बट माइट भी आपके जेहन में चल रहा होगा यार मुझे नहीं दिया तो किसी को भी नहीं देता होगा, बस 2 साल की वारंटी दे देता होगा। तो अगर आप कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में चले जाते हैं तो वो मुझे कहेंगे ये तुम्हारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, तुम्हारे प्रमोशनल मटेरियल की वजह से इस बंदे के जेहन में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई थी, तो इसको रिपेयर करके दो। तो मुझे आपको वो रिपेयर करके देना पड़ेगा, ठीक है? तो वो मेरी कौन सी ऑब्लिगेशन होगी? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो ये दो तरह की स्टैंडर्ड ने आपको कहा ऑब्लिगेशन होती है, एक लीगल और एक कंस्ट्रक्टिव। तो चाहे लीगल ऑब्लिगेशन हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, अगर वो प्रेजेंट है तो वो आपकी लायबिलिटी में फॉल कर रही होती है। नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की दो डेफिनेशन स्टैंडर्ड ने दी हैं। एक तो कहता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पॉसिबल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब था, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। तो कह रहा है पॉसिबल ऑब्लिगेशन है किसी पास्ट इवेंट की वजह से क्रिएट हुई होती है, ठीक है, और इसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही होती फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। यानी सिंपल लफ्जों में ऐसी लायबिलिटी जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही हो फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट्स की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो, तो उसे हम कहते हैं हमारी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। मसलन मेरे कस्टमर ने मेरे खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में जाके कि इसने जो प्रोडक्ट दी थी वो खराब थी जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, मुझे डैमेजेस दिलवाए दें, तो क्या ये मेरी कंफर्म लायबिलिटी होगी? यानी उसने जाके कोर्ट में केस किया तो क्या ये मेरी कंफर्म लायबिलिटी बन जाएगी? नहीं। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कहाँ? कोर्ट के ऑर्डर पे। अगर तो कोर्ट ने कहा जी हाँ दो इसको डैमेजेस तो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, अगर कोर्ट ने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है तो मेरी लायबिलिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी, पॉसिबल आपकी लायबिलिटी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और इसका डिपेंड कर रहा है फ्यूचर के यानी कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, और वो डिसीजन मेरे कंट्रोल में नहीं था। अगर वो डिसीजन मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता, मतलब मेरे कंट्रोल में होता, तो मुझे बिल्कुल क्लियर पता था मैंने इस बंदे को पैसे देने हैं कि नहीं देने, देने हैं तो कंफर्म लायबिलिटी, और अगर नहीं देने तो लायबिलिटी है ही नहीं। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने आपको कहा कि वो जो इवेंट जिस पे डिपेंड करती है कंफर्मेशन, वो आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो, ठीक है। इसी तरह फर्ज करें मेरे इंप्लॉइज ने मेरे खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर दिया कि सूटेबल वर्किंग एनवायरमेंट नहीं दी हुई थी, हमारी हेल्थ अफेक्ट हो गई है, हमें डैमेजेस दिलवाए जाए, क्या ये मेरी कंफर्म लायबिलिटी है? नहीं। अगेन ये कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंडेंट है। अगर कोर्ट में प्रूव हो गया कि हाँ मेरी नेग्लिजेंस थी और मुझे वो डैमेजेस डाल दें तो फिर मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, और अगर कोर्ट ने कहा कि नहीं मेरा कोई फॉल्ट नहीं है ऐसा, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो उसको भी हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अंदर ही कवर करेंगे। इनकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं वो अभी आगे स्टैंडर्ड में जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम डेफिनेशन देख रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ये इसकी पहली डेफिनेशन थी।
के पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है, जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही हो फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो। अच्छा, अब आते हैं जरा इसकी दूसरी डेफिनेशन। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन करने से पहले ये भी इसको नोट ना कीजिएगा, रेकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रोविजन। रेकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रोविजन, ठीक है, इसको भी नोट ना कीजिएगा, बाद में बताऊंगा किस जगह नोट करना है। तो स्टैंडर्ड ने, आईएस 37 ने ना प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताया कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर लिया करो। अब वो क्या है? नंबर वन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन देन एक्सपेक्टेड आउटफ्लो एंड रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड ने आपको कहा है कि जब ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हो जाएं तो प्रोविजन रिकॉर्ड किया करो। सबसे पहले उसने क्या कहा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। दूसरा उसने कहा एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो, और तीसरा कह रहा है रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट हो कि खर्चा कितना होगा। जिस दिन ये तीनों पूरे हो जाएं तो हम प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया करते हैं, मतलब उसको लाइबिलिटी बुक कर लिया करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने क्राइटेरिया क्यों बताया? एक्चुअली इसकी सेकंड डेफिनेशन की वजह से, ठीक है, इसलिए इसको भी ना लिखें, बाद में मैं बताऊंगा किस जगह नोट कीजिएगा। तो स्टैंडर्ड ने जो कंटिंजेंट लायबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन दी, पहली डेफिनेशन क्या थी? पॉसिबल ऑब्लिगेशन जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही फ्यूचर के एक एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं हो। अब सेकंड डेफिनेशन कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, पहली डेफिनेशन में क्या वर्ड लिखा था? पॉसिबल, लेकिन इधर कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन कहते हैं आपने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, तो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? कहते हैं या तो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं था, तो या रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट नहीं था, इस वजह से आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज उसने आपको इसके अंदर बताई हुई है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए नंबर वन, दूसरा कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटफ्लो होना चाहिए, तीसरा उसने कहा रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो अब कंटिंजेंट लायबिलिटी की हमने डेफिनेशन जो सेकंड पढ़ी, वो आपको मैंने कहा कि इट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट नॉट रिकॉग्नाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू इधर नॉन एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कि या तो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं था, तो या रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट नहीं था, जिसके वजह से हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर वो हमारी क्या बन जाएगी? कॉन्टिंजेंट। अब फर्ज करें मेरी जो प्रोडक्ट है क्वालिटी वाइज ऐसी होती है कि साल तक तो इसको कोई इशू बनता ही नहीं है, साल के बाद पॉसिबिलिटी होती शायद कोई इश्यूज वगैरह आए, प्रॉब्लम्स आए। मैंने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने उनको वारंटी दी कि यार 6 महीने की वारंटी है, कोई भी मसला हुआ हो आना, मैं दूसरा यूनिट दे दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। जब मैंने वारंटी कार्ड दिया तो मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई।
ठीक है, चीज मैंने आपको बेची, कार्ड मैंने आपको दे दिया, नाउ इश्यू इज क्या एक्सपेक्टेड है, आउटफ्लो होगा। तो आपको मैंने कहा कि मेरी चीज की क्वालिटी ऐसी, साल तक तो उसका कोई फॉल्ट आता ही नहीं है, तो मैंने तो गारंटी 6 महीने की दी, तो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, तो क्या मैं इसको लाइबिलिटी बुक कर लूं? नहीं, तो लाइबिलिटी के तौर पे बुक नहीं होगा, लेकिन उसको हम किस नाम में कवर करेंगे? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन थी। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टिंजेंट एसेट्स। कॉन्टिंजेंट एसेट्स, अच्छा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और एसेट की डेफिनेशन सेम है, बस एक जगह एसेट का लफ्ज यूज होता है तो दूसरी जगह लायबिलिटी। जैसे देखें इसकी मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे। इधर वो आपको कहते हैं पॉसिबल एसेट जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो। अब जैसे आपको मैंने कहा मेरे इंप्लॉयज ने मेरे खिलाफ केस किया, तो मेरे लिए वो क्या थी? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कि हो सकता है इनको डैमेजेस देने पड़ जाए, हो सकता है ना ही देने पड़े। उन इंप्लॉयज के लिए वो क्या है? हाँ, उनके लिए वो कॉन्टिंजेंट एसेट है कि शायद हमें पैसे मिल जाएं और शायद ना मिले। ठीक है, तो इस वजह से ये तकरीबन डेफिनेशन सेम है, बस एक में एसेट का वर्ड यूज होता है तो एक के अंदर लायबिलिटी का वर्ड यूज हो रहा होता है। रीस्ट्रक्चरिंग, जी तो चेंज इन इधर स्कोप और मैनर ऑफ बिजनेस, कि चेंज आ जाए या तो स्कोप में या फिर मैनर ऑफ बिजनेस में। स्कोप का मतलब या आप कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चले गए हो या एक्सपेंशन की तरफ चले गए, मतलब बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये स्कोप चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस कर रहे हैं तो वो भी स्कोप चेंज हो रहा है। एक्सपेंशन के अंदर सेम प्रोडक्ट लाइन की एक्सपेंशन भी हो सकती है और डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होगा? डिफरेंट प्रोडक्ट में चले जाओ या इंडस्ट्री डिफरेंट में चले जाओ। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने देखा है ये कई रियल स्टेट यानी जो हाउसिंग सोसाइटीज बनाने वाली लोग थे या ऑर्गेनाइजेशन थी, आजकल अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इन सब ने अपने टेलीविजन चैनल बनाना शुरू किए हुए। ठीक है, तो ये वो क्या कर रहे हैं? स्कोप चेंज कर गए, यानी डाइवर्सिफाई उन्होंने किया अपने आप को। इसी तरह अक्सर जैसे मैं स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देता हूं, 1985 में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जब शुरू हुए थे तो
तो ये पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीसीसी के नाम से शुरू हुए थे, ठीक है। ये खाली आईकॉम और बीकॉम कराते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कराते थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो इन्होंने देखा कि यार हम लोग आईकॉम बीकॉम कराते हैं और मास्टर वाले स्टूडेंट को तो हम केटर ही नहीं करते, तो बीकॉम करके बच्चा हमारा यानी इतना बच्चा होता है और फिर कहीं और चला जाता है। तो इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई, वहाँ पे एमकॉम और एमबीए शुरू करा दिया। फिर उसके बाद इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि जी हम लोग तो खाली लाहौर के अंदर मेनली कैटर कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने दूसरे सिटीज़ के अंदर शुरू किया। फिर बाद में इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार हम खाली एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो इन्होंने अपने टेलीविजन चैनल्स बनाए, ये दुनिया न्यूज़ वगैरह जो है, मसाला टीवी, हम चैनल, ये सारे इनके हैं वो। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि रियलाइज़ किया कि यार मैट्रिक के बाद बच्चा हमारे पास आता है, तो मैट्रिक तक 12-13 साल की एजुकेशन तो ले चुका होता है। तो इन्होंने अलाइड स्कूल के नाम से स्कूल बना लिए, जहाँ पे प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक तक, और फिर उस बच्चे को कहा जाता है कि अगर आप पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हम आपको डिस्काउंट्स देंगे, ठीक है। मीनवाइल इन्होंने FA FSC वगैरह शुरू करा दी। अब इस वक्त पंजाब कॉलेजेस के अंदर आईकॉम से ज़्यादा FSC के स्टूडेंट्स होते हैं, इस तरह बीकॉम से ज़्यादा इनके पास BSc के स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब बताने का मतलब ये था कि वो क्या करते जा रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे लेकिन एजुकेशन सेक्टर के अंदर। लेकिन ये जो उन्होंने टेलीविजन चैनल्स बनाए ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर इन्होंने लाहौर के अंदर डोसे बेकर्स के नाम से बेकरीज बना ली थी, अब तो खैर बंद कर दी हैं, तो वो बेकरीज वगैरह बना ली, तो फूड वाली सेक्टर में निकल गए। तो इस तरह करके ये चल रहा होता है। तो स्कोप चेंज होने का मतलब है एक्सपेंशन भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है, और एक्सपेंशन सेम लाइन ऑफ बिजनेस में भी हो सकती है और डाइवर्सीफाई भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा उसने कहा मैनर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए, काम करने का तरीका बदल दो। इसकी अक्सर मैं स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल दिया करता हूँ। अगर आप लोग कोई 90s के दौर में चले जाएँ या अर्ली 2000 के कुछ ईयर्स ले लें, तो उस वक्त ये जो निशात कंपनी है, ये हो गई गुल अहमद हो गई, तो इनके ना ज़्यादातर जो कपड़ा था ये सारा एक्सपोर्ट होता था। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम इनकी प्रोडक्ट बिकती थी, लेकिन वो बहुत लीडिंग स्टोर्स पे रखवाते थे। यानी इधर का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन लाहौर के अंदर जैसे वहाँ पे लिबर्टी के अंदर सलीम फैब्रिक्स था, अलफते था, तो राजा साहब था, तो इन दो तीन के पास सिर्फ इनकी प्रोडक्ट अवेलेबल होती थी। तो जिस किसी ने भी अगर इनकी ले ली तो वहाँ जाके खरीदे। तो इसका मतलब ये क्या करते थे, रिटेलर को बेच देते थे और आगे रिटेल वाला कस्टमर को बेचता था, और चूंकि बड़ी लिमिटेड जगह पे चीज़ें अवेलेबल होती थी तो महंगी महंगी करके बेचते थे। फिर बाद में इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार हम लोग सिर्फ होलसेल रेट के ऊपर दे देते हैं और वो आगे रिटेल वाला तो बड़ा मार्जिन कर रहा है और हम रिटेलर्स को तो टारगेट कर ही नहीं रहे। तो उसका उन्होंने हल क्या निकाला, फिर उन्होंने अपनी आउटलेट्स बनाना शुरू की। जैसे आपने गुल अहमद की आइडिया के नाम से अब शॉप्स देखी होंगी, ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने निशात लीलन के नाम से उनकी शॉप्स देखी होंगी, उनके अपने शोरूम्स वगैरह बने हुए हैं। अब वहां पर अगर आप चले जाए ना तो सिर्फ इनकी अपनी प्रोडक्ट मिलती है या जो इन्होंने इम्पोर्ट की होती वो प्रोडक्ट मिलती है, हर प्रोडक्ट आपको वहां से नहीं मिलती। तो अब उन्होंने क्या किया, अपना मैनर ऑफ बिजनेस चेंज किया, बजाय इसके खाली होलसेल कस्टमर को केटर किया जाता और लिमिटेड लोगों को किया जाता, ये रिटेल साइड पे निकल गए, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं मैनर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाना। तो स्टैंडर्ड ने कहा चाहे आप स्कोप चेंज करो चाहे मैनर ऑफ बिजनेस चेंज करो, इसको हम किस साइड में कवर करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर, कि आपने रिस्ट्रक्चर किया इसको। तो ये तो कुछ डेफिनेशन थी इसकी जो मेन मेन स्टैंडर्ड में यूज होती हैं। अब आते हैं स्टैंडर्ड के फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज प्रोविजन। Thank you.
जी प्रोविजन। अच्छा, अब प्रोविजन का आप लोग रिकग्निशन क्राइटेरिया अब नोट करें, क्योंकि वो इस हेडिंग के नीचे बनता है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था क्राइटेरिया, उसने कहा एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, दूसरा उसने कहा था एक्सपेक्टेड हो कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा इसको सेटल करने पे, और तीसरा उसने कहा था रिलायबल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट भी हो। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी जिसमें एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं था, कि आपने कहा था साल तक प्रोडक्ट को कुछ नहीं होता, मैंने वारंटी 6 महीने की दी। नेक्स्ट आते हैं कि फर्ज करें मैंने आपको वारंटी दी साल की, और मुझे लगता है कि पॉसिबल है कि आप आ भी जाओ, खराब हो जाए चीज, रिपेयर करना पड़े, आउटफ्लो हो, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं खर्चा कितना हो, तो क्या विदाउट अमाउंट एंट्री पास हो सकती है? नहीं, तब भी आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं आपको ये कहूँ यार मैंने प्रोडक्ट बेची है, वारंटी कार्ड दिया, और मुझे एक्सपेक्टेड है कि यार रिपेयर की जरूरत पड़ जानी है, और मेरा पास एक्सपीरियंस बताता है कि 5,000 रुपये तक का खर्चा आ जाना है, तो इसके अंदर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी थी, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी था, और रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट भी आ गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसकी प्रोविजन बुक करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ने आपको कहा हुआ कि इस तरह करके आप प्रोविजन रिकग्नाइज किया करेंगे। अब जब रिकग्नाइज करना है तो आपने कहा कि रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, तो उसकी मेजरमेंट के बारे में देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन कर लें। कि प्रोविजन कितनी रिकग्नाइज करनी। अच्छा, स्टैंडर्ड ने आपको कहा है कि जो प्रोविजन आप रिकग्नाइज किया करो ना, ये आप लोगों का बेस्ट एस्टीमेट होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रोविजन उसने का क्या होनी चाहिए जो कि आपका बेस्ट एस्टीमेट हो। बेस्ट एस्टीमेट के लिए उसने आपको गाइड किया, कहता है कि आप लोग देखा करो कि ये जो फिगर है उसके क्या आउटकम्स, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, और अगर कभी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो तो फिर आप लोगों को उसके लिए फर्दर गाइड किया, मतलब अगर बुलेट पॉइंट के हिसाब से मैं इधर लिखूं तो इन केस ऑफ मल्टीपल आउटकम्स, के अगर मल्टीपल आउटकम्स हो मतलब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, मसलन आपको मैंने एक प्रोडक्ट बेची, 2 साल की वारंटी दी, अब आपने मुझे कहा यार वारंटी पे कितना खर्चा आ सकता है, मैंने कहा यार ये तो डिपेंड करेगा उसका पार्ट ए खराब होता है कि बी खराब होता है,
ए खराब हुआ तो 1000 रुपए का आएगा, बी खराब हुआ तो 1500 का आएगा। इसका ना मेरे पास अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, 1000, 1500। तो हम उसे कहेंगे ये आपके ना मल्टीपल आउटकम्स आ गए। जब मल्टीपल आउटकम्स होते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है आप चेक किया करो जिस चीज की आप बात कर रहे हो, इज इट रिकरिंग आइटम और नॉन रिकरिंग आइटम। ठीक है, यानी इस सूरत में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या यार वो रिकरिंग आइटम है कि नॉन रिकरिंग आइटम। आइटम कह लें, इवेंट कह लें, एक ही बात है। रिकरिंग इवेंट क्या मतलब? बार बार होने वाली चीज। और नॉन रिकरिंग मीन वन ऑफ, कभी कभार। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे आपको ने कहा था 1000 रुपया भी खर्च हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, ये किस चीज की बात हम कर रहे थे? यानी कौन सी ऑब्लिगेशन के लिए पढ़ रहे थे? नहीं, वो किस चीज के बारे में थी? देखें, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैंने प्रोडक्ट बेची है और उसकी वारंटी मैंने आपको दी थी, तो इसका मतलब ये वारंटी की बात हो रही थी कि या 1000 का खर्चा या 1500 का। तो ये जो आप प्रोडक्ट की वारंटी देते हैं, इज इट रिकरिंग इवेंट और नॉन रिकरिंग? रिकरिंग है। मैं जब भी चीज बेचूंगा वारंटी तो लोगों को दिया करूंगा, ये तो नहीं है आज एक दफा दी और फिर कभी भी नहीं देनी। तो इसका मतलब वो वारंटी जो थी वो आपकी रिकरिंग इवेंट था, बार बार होने वाली चीज थी। लेकिन अगर मैं आपको कहता यार मेरे इंप्लॉयज ने मेरे खिलाफ केस कर दी है और मुझे लगता है इनको पैसे देने पड़ने हैं, लेकिन मेरा लॉयर कह रहा है या 2 लाख देना पड़ेगा या 3, तो इसका मतलब दो आउटकम हो गए ना, 2 लाख या 3 लाख। लेकिन किस चीज के हैं? केस के। और ये जो केस है ये रिकरिंग आइटम है नॉन रिकरिंग? ये नॉन रिकरिंग, तो वो इधर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड ने कहा अगर मल्टीपल आउटकम हो तो पहले देखा करो वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, रिकरिंग आइटम है कि नॉन रिकरिंग है, मतलब वो चीज बार बार होने वाली कि कभी कभार होने वाली। अगर तो है रिकरिंग आइटम, देन प्रोविजन वुड बी रेकग्नाइज्ड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते होते थे? हाँ, प्रोबेबिलिटी से पहले मल्टीप्लाई किया फिर उनका सम कर दिया। ठीक है, जैसे आपको मैंने कहा कि यार 1000 रुपया भी खर्चा हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, तो फिर हम देखेंगे इसके चांसेस ऑफ अकरेंस के हैं। आपको मैं कहता हूं यार 40% चांसेस है 1000, 60% चांसेस है कि 1500। तो अब आप क्या करेंगे, 1000 को इंटू 40% करके 400, 1500 को इंटू 60% करके 900, तो 1300 आपकी बनेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आप 1300 की प्रोविजन डालोगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर नॉन रिकरिंग इवेंट हो गया, नॉन रिकरिंग इवेंट का क्या मतलब था? हाँ, कि कभी कभार होता है, बार बार नहीं होता। तो ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड ने कहा कि प्रोविजन वुड बी रेकग्नाइज्ड फॉर मोस्ट लाइकली आउटकम। मोस्ट लाइकली आउटकम का क्या मतलब? जिसके चांसेस ज्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है।
जैसे अगर फर्ज करें इन्हीं की मैं बात करूं, इसके 40% चांसेस है, इसके 60% थे, तो अगर ये वन ऑफ आइटम होती तो फिर आप कितने की प्रोविजन डालते? 1500 की डाल देते, ठीक है। फिर आपने 900 की नहीं करनी, बल्कि वो पूरी वही अमाउंट ले लेनी 1500। तो ये इस प्रिंसिपल का ना आपने खास ख्याल रखा करना है, अक्सर इसमें आप गलती कर दिया करते हैं। मतलब हर जगह एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं चलेगी, देखना पड़ेगा रिकरिंग आइटम है कि नॉन रिकरिंग है। फिर उसने आपको कहा कि प्रोविजन की कैलकुलेशन के अंदर, यानी इसी के नीचे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। मतलब आपको मैं कहता हूं यार 2 साल बाद होगा, तो फिर अब आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह को कंसीडर करना है। Also consider risk and inflation, ठीक है। risk को और inflation को भी consider आप लोगों ने करना है। मसलन आपको मैंने कहा यार ये पार्ट ए खराब होगा या बी खराब होगा, माइट भी दोनों ही खराब हो जाए, तो इसलिए उसको risk को भी consider करना है। फिर inflation आज 1000 का मिलता है, आपने 2 साल की वारंटी दी है, साल बाद या 2 साल बाद 1000 का तो नहीं होगा, उस इफेक्ट को भी कंसीडर कर लो। तो इस तरह करके ना उसने कहा आपने अपनी बेस्ट जजमेंट निकालनी है। अब अगर आपको मैं कहूं यार मेरा तो पहली दफा ये काम है, मेरे तो इतनी एक्सपर्टीज ही नहीं है इन चीजों की, तो फिर वहां पे आपको कहते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप लोग यूज द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। फिर आप लोग एक्सपर्ट्स की सर्विसेज ले लो। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड ने कहा है जिस पर्पस के लिए प्रोविजन क्रिएट होगी उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज होगी, ठीक है। मतलब आपने वारंटी की प्रोविजन क्रिएट किया है तो वारंटी के लिए इस्तेमाल होगी, अगर आपने कोई लीगल केस के लिए प्रोविजन क्रिएट किया है तो लीगल केस के लिए इस्तेमाल होगी। और अगर आपको मैं कहूं यार लीगल केस तो मेरे हक में आ गया अब तो पैसे नहीं देने, तो वो रिवर्स होगी, बस उसे किसी और जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस मकसद के लिए प्रोविजन क्रिएट होगी उधर ही इसको यूटिलाइज किया जाएगा। बाकी आपको पता है प्रोविजन है तो एस्टिमेट, तो IS-8 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिपोर्टिंग डेट पर हमें एस्टिमेट्स को एक दफा रिव्यू वगैरह भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल ये उसने आपको ना प्रोविजन के बारे में कुछ गाइडलाइन दी हुई थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। मतलब स्टैंडर्ड का जो पहला पार्ट था प्रोविजन, उसको हम लोगों ने भी जरा डिस्कस किया है। बाकी इंशाल्लाह कल इसके जो अदर दो इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिजेंट एसेट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या चीज़ें और किन किन फैक्टर्स को आपको ख्याल रखना पड़ता है। Thank you.